बढ़ते आगे, सोनिया गांधी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का तंज। रायबरेली में बेटे के सौंपने के बयान पर पलटवार किया और कहा कि रायबरेली को सौंप नहीं बल्कि राहुल को थोप रही हैं। 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? पहले अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी वहां हारे। दरअसल रायबरेली में सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा था, रायबरेली को अपने बेटे राहुल गांधी को आप लोगों को सौंप रही हूं। और जिसके बाद एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और कहा कि सोनिया गांधी मैडम राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट सौंप नहीं रही बल्कि उन पर थोप रही हैं। पहले आपको सोनिया गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसपे उन्होंने क्या कहा था। आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूं, कोई 2 साल के बच्चे हैं राहुल जो सौंप रही है? 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां वहां कांग्रेस हार गई, और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे हैं। ये देश, देश की जनता, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य परंपराओं को जानते नहीं है। ये तो शाही परिवार है जिसका केवल अपने परिवार से लेना देना है, जनता से कुछ नहीं।